को पार्ट बाय अनमोल बिस्किट्स। अनमोल बटर बिस्किट, इतना बटरी कि दिल पे घल जाए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज फिक्र का पहला फोकस बांग्लादेश पर है। वहां कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों से कह रहे हैं फिर वही डर लाया हूं। जी हाँ, ठीक सुना आपने। या हिंदुओं की आस्था पर कट्टरपंथियों के सीरियल हमले चिंता बढ़ाने वाले हैं। 3 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और इन नए हमलों के बाद वहां रहने वाले हिंदू ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या वो इन 9 दिनों में पूरी आजादी के साथ देवी दुर्गा की भक्ति कर पाएंगे। पहली घटना मैमनसिंह जिले की है। यहां रात के अंधेरे में एक हिंदू मंदिर पर अटैक होता है। दूसरी घटना ढाका की है। यहां कट्टरपंथियों की भीड़ ने रैली निकालकर पार्कों में दुर्गा पूजा के पंडालों को न लगाने की धमकी दी है। और तीसरी घटना में हिंदुओं की आस्था से वसूली वाली धमकी है, जिसमें खुलेआम दुर्गा पूजा करने के लिए 5 लाख टका कट्टरपंथी टैक्स मांगा गया है। हम एक एक करके तीनों ही खबरें वीडियो सबूत के साथ आपको डिटेल में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इन तीनों ही घटनाओं के बीच कथित शांति दूत और बांग्लादेश के केयरटेकर सरकार के मुखिया नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस का 13 अगस्त को दिया गया एक बयान फिर से सुनना जरूरी है। वो 13 अगस्त को ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे थे। ढाकेश्वरी मंदिर में हमले हुए थे। यहां पहुंचकर उन्होंने हिंदुओं को सुरक्षा की गारंटी दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं में हमें मुसलमान, हिंदू या बौद्ध नहीं बल्कि इंसान के तौर पर देखा जाना चाहिए। हमारे हर तरह के अधिकार सुनिश्चित किए जाने चाहिए। अब यहां पर मोहम्मद यूनुस एक चुभने वाला सवाल। बांग्लादेश की सत्ता संभाले हुए उन्हें 1 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है। क्या अब वो इस बात का भरोसा दे सकते हैं कि उनके बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं, या फिर पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी हिंदुओं के लिए नरकिस्तान बन चुका है? कि कल रात ढाका से 111 किलोमीटर दूर मेमन जिले में गोविंद बाड़ी मंदिर में कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला बोला। नवरात्र पर पंडालों में रखी जाने वाली मां दुर्गा की प्रतिमा को तोड़कर खंडित कर दिया। मां दुर्गा के साथ साथ यहां स्थापित होने वाले दूसरे देवी देवताओं की मूर्ति को भी तोड़ा गया। और हैरानी की बात है कि आस्था पर हुए इस नए हमले के बावजूद अंतरिम सरकार की ओर से हिंदुओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाने वाला एक बयान सामने नहीं आया। क्या मोहम्मद यूनुस इस घटना पर कुछ बोलेंगे? ऐसा फिलहाल लगता नहीं, क्योंकि कल बांग्लादेश में कट्टरपंथी जब गोविंद बाड़ी हिंदू मंदिर पर हमले की योजना बना रहे थे, तब मोहम्मद यूनुस इससे बेखबर न्यूयॉर्क में शाहबाज शरीफ से मुस्कुराते हुए गले मिल रहे थे। दोनों के बीच क्या बातें हुई यह हम आपको कल इस शो में बता चुके हैं। लेकिन हिंदू आस्था पर अटैक से बेखबर मोहम्मद यूनुस तो यह भी नहीं जान पाए होंगे कि ढाका में उनके राज में ही कट्टरपंथियों ने एक रैली भी निकाली थी। इस रैली में खुलेआम हिंदुओं को पार्कों में दुर्गा पंडाल ना लगाने की धमकी दी जा रही थी। ढाका से आया ये वायरल वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। ढाका में उत्तरा सिटी, यहां के सेक्टर 11 में सड़क पर कट्टरपंथियों की भीड़ निकली। सैकड़ों की संख्या में लोग धमकी भरे नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। कह रहे थे कि अगर इस इलाके में पार्कों में दुर्गा पंडाल लगाए गए तो अंजाम बुरा होगा। हिंदुओं के खिलाफ ये नारेबाजी वहां की लोकल लैंग्वेज में है, लेकिन इसमें कट्टरपंथियों की धमकी साफ महसूस की जा सकती है। बांग्लादेश में हिंदुओं से अत्याचार का 3रा चैप्टर खोलते हैं। इस चैप्टर के हर पन्ने में हिंदुओं से नफरत की स्याही साफ दिखाई दे रही। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो लेटर इस वक्त देखने जा रहे हैं, यह असल में हिंदुओं को धमकी भरा फरमान है, जिसमें कट्टर पंथ वाली टैक्स वसूली का पूरा इंतजाम है। बांग्लादेशी अंग्रेजी दैनिक डेली स्टार के अनुसार इसमें लिखा है, दुर्गा पूजा मनाने के लिए $4,200 यानी 5 लाख टका देना होगा। इस हुक्म की नाफरमानी की गई तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे और जो भी आदेश नहीं मानेगा उसे टुकड़ों में काट दिया जाएगा। बांग्लादेश में कई दुर्गा पूजा उत्सव समितियों को ऐसे गुमनाम पत्र भेजे जा रहे हैं और लेटर मिलने के बाद से इन समितियों से जुड़े हिंदू लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हैं। अब वापस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस पर लौटते हैं और उनसे फिर से कुछ चुभते हुए सवाल पूछते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता
मोहम्मद यूनिस अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, उन्होंने अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की गारंटी दी थी, तो फिर अब उन्हें दुनिया को बताना चाहिए कि ऐसे कट्टरपंथियों के खिलाफ वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। दुर्गा पूजा के समय तालिबानी टैक्स वसूलने वाले ऐसे क्रूर लोग सलाखों के पीछे कब भेजे जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, नवरात्र में हिंदुओं का खून नहीं बहेगा, ये भरोसा वो हिंदुओं के बीच जाकर कब देंगे? अब जरा विरोधाभास देखें, दुनिया में शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी किस ऑर्गेनाइजेशन पर होती है? यूएन की। उसकी बैठक कहां हो रही है? उस मुल्क में जो कि दुनिया भर में शांति के नाम पर हथियार देता है, जंग लड़ी जा रही है उसके सैनिकों द्वारा या मर्सनरीज के द्वारा अमेरिका में। और वहां पर कौन बैठा, कौन पहुंचा? दो ऐसे मुल्क जहां पर जो अल्पसंख्यक हैं वो सुरक्षित नहीं है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और हर कोई खामोश है, यूएन खामोश है, अमेरिका खामोश है, मोहम्मद यूनिस पीस प्राइज विनर वो खामोश है, पाकिस्तान के लिए तो क्या कहना। अब अगर फिक्र के लेंस इस खबर को समग्रता में देखें तो बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सुरक्षा मिलना उनका मौलिक अधिकार है, वहां ऐसा माहौल बनाना ही चाहिए जिससे वो धार्मिक आजादी को महसूस कर सकें, उसमें किसी तरह की बाधा ना पहुंचे। लेकिन क्या मोहम्मद यूनिस की सरकार में ऐसा संभव हो पाएगा? वो भी तब जब वो चारों ओर से जमात जैसे कट्टरपंथियों से घिरे हुए हैं और बांग्लादेश को वापस पूर्वी पाकिस्तान बना देने जैसे हालात पैदा कर रहे हैं। मोहम्मद यूनिस तो तख्ता पलट करने वालों को लेकर अमेरिका में घूम रहे हैं और गर्व से बता रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ, पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो भी पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है? उनकी बात सुनिए। बांग्लादेश में हिंदुओं से हिंसा पर सवाल उन मानवाधिकार संगठनों और पश्चिमी देशों से भी पूछा जाना चाहिए जो हर वर्ष दुनिया भर के देशों के मानवाधिकारों पर सैकड़ों पन्नों वाली रिपोर्ट जारी करते हैं, वहां के मानवाधिकारों पर चिंता जताते हैं, लेकिन जब बात बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की होती है तो आंखें बंद कर लेते हैं। इसीलिए ऐसे देशों को भी वक्त वक्त पर आईना दिखाते रहना चाहिए। खैर, पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। पीओके में लोग बाहर निकलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान के जुल्म से आक्रोशित हैं, तो यहां जम्मू कश्मीर में लोग कतार में लगकर वोटिंग कर रहे हैं, भारी संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, लोकतंत्र के साथ खड़े हैं। वैसे पीओके भी हमारा है, जहां विधानसभा की 24 सीटें भारत ने छोड़ रखी हैं। जाहिर है जब वो पाकिस्तान के कब्जे से आजाद होगा तो वहां भी चुनाव कराए जाएंगे। पीओके के लोगों ने भी बुधवार को हुए दूसरे चरण के मतदान में कश्मीर की जनता को उत्साह देखा होगा। बिग पिक्चर यह है कि सीमा से लगे इलाकों में बंपर वोटिंग हुई। एलओसी के पास सूरनकोट और पुंछ, एलओसी के पास सूरनकोट और पुंछ में 75% वोटिंग हुई है, नौशेरा में 72%, मेंढर बहुत ज्यादा आपको याद होगा एक जमाने में टेरर होता था, 71% वोटिंग हुई है, रजौरी 70%, थन्ना मंडी में 69%, कालाकोट में 69% और बुद्धल में 68% से ज्यादा मतदान हुआ है। जाहिर है ये तस्वीरें और आंकड़े इस्लामाबाद को शूल की तरह चुभ रहे होंगे। वैसे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि पहले चरण में वहां 61% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, अब तीसरे चरण में 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान है। संकेत तो यही है कि इस बार वोटिंग का रिकॉर्ड बनने वाला है। नेता कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बदलाव की एक नई तस्वीर आ रही है। नया कश्मीर का, नया जम्मू का बदलाव स्थिति का एक एग्जाम्पल है, ये मिरर है। जम्मू कश्मीर के लोग तो हमेशा जमहूरियत को पसंद करते हैं, गन की दहशत में कभी काम वोट पड़ा उसका मतलब ये नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी तो ख़त्म कर दी भाजपा ने। 10 साल से तो यहाँ जिस तरह का माहौल चल रहा है और 5 साल से तो चुनी हुई सरकार नहीं है। सच बोलूँ तो मैं थोड़ा सा और ये टर्नआउट की उम्मीद कर रहा था। सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी से ज़्यादा ना हथियार है, ना बंदूक है, ना कास्ट है, ना रिलीजन है। लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पर एक भारी तादाद में वोट कास्ट किए हैं,
राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बॉर्डर के लोगों को और ज्यादा तकलीफें होती है, वो चाहते हैं कि चुनी हुई सरकार हो, लेकिन ये नहीं चाहते कि डमी सरकार हो जिसका रिमोट कंट्रोल दिल्ली हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हो। हर यंग यूथ ने बहुत बड़ा योगदान दिया, हर बुजुर्ग ने घर से बाहर निकले, और ये जो भी वोटिंग की है इस बार हर बंदे ने यही वोट डाला है कि डेवलपमेंट के नाम पे वोट डाला। जम्मू कश्मीर में अब तीसरे चरण के लिए प्रचार का रण चल रहा है। बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तीनों दलों ने आखिरी चरण के लिए ताकत झोंक दी है। आज गृहमंत्री अमित शाह ने उधमपुर में रैली की, तो पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी जनसभा में जुटी। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिस चुनाव में ना धारा 370 है ना अलग झंडा है। पहली बार मैं इस मंच से राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, राहुल बाबा आप क्या, आपकी तीन पीढ़ी की ताकत नहीं है 370 को वापस। भारतीय जनता पार्टी का एलजी अपना है, प्राइम मिनिस्टर अपना है, तो क्या किया उन्होंने जम्मू के लिए बताइए मुझे। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी तो 15 सीटें भी क्रॉस नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर से दूसरे चुनावी राज्य हरियाणा में प्रवेश करते हैं, जहां मतदान से 9 दिन पहले राहुल गांधी ने प्रचार की शुरुआत की। उनकी रैली का आगाज करनाल के असंध से हुआ, फिर वो बरवाला गए। अब ये दोनों लोकेशन की इंपॉर्टेंस जरूर समझेगा, सुनने में एक आम सी कॉन्स्टिट्यूंसी लगे ना, इंटरेस्टिंग है कॉम्बिनेशन देखिएगा। राहुल गांधी की पहली सभा असंध में क्यों हुई और उसके बाद वो बरवाला क्यों गए, इसे जानने से पहले आपको मन से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ना, पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, आइए उसके मायने समझते हैं। जैसे हरियाणा में राहुल गांधी की पहली रैली थी, वैसे ही असंध के मंच पर पहली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा एक साथ इस चुनाव में नजर आ रहे हैं। टिकट बंटवारे के बाद पार्टी में बड़ी नाराजगी के बीच ये पहला मौका था जब दोनों को कार्यकर्ताओं ने एक मंच पर देखा। इन दोनों के बीच में राहुल गांधी और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान बैठे हुए थे। इसी मंच की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब फोटो सेशन चल रहा था। ये वो वक्त था जब हुड्डा और सैलजा के बीच सिर्फ राहुल गांधी थे, फिर राहुल गांधी अचानक दूसरे नेताओं से मिलने के लिए निकल गए, यानी अब हुड्डा और सैलजा के बीच कोई नहीं। कुछ देर दोनों खड़े रहे, फिर राहुल आए तो उनको राजीव गांधी की फोटो भेंट की गई। इस दौरान सैलजा ने हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए इशारों में कुछ कहा, उनका इशारा शायद भूपेंद्र हुड्डा की तरफ था क्योंकि सामने वही खड़े थे। करीब एक घंटे तक चले कार्यक्रम में सैलजा और हुड्डा मंच पर मौजूद नेताओं से अलग अलग बात करते थे, लेकिन इन दोनों की आपसी बातचीत नहीं हुई। हाँ यह जरूर हुआ कि जब भाषण का मौका आया तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा दोनों ने आदर पूर्वक एक दूसरे का नाम लिया। भाषण भी पहले सैलजा का हुआ फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नंबर आया। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि हरियाणा से यह तस्वीर तब आई है जब राहुल की एंट्री हुई है, यानी इस मंच से यह संदेश दिया गया कि राहुल के आने के बाद कांग्रेस में ऑल इज वेल, कहीं कोई मतभेद नहीं है। जाहिर है तस्वीर आई तो रिएक्शन बीजेपी की तरफ से भी आया। अब हरियाणा के सीएम सैनी सैलजा के प्रचार को कांग्रेस का अंदरूनी मामला बता रहे हैं। वैसे कल तक पूर्व सीएम मनोहर लाल सैलजा को बीजेपी का ऑफर दे रहे थे, लेकिन आज की तस्वीर के बाद नेताओं के शब्द कुछ बदले बदले से हैं। अब बीजेपी का फोकस सैलजा नहीं बल्कि उनकी जाति पर। बहन कुमारी सैलजा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी जी, मंचासीन हमारे सभी सम्मानित नेतागण, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी वरिष्ठ नेता बहन शैलजा जी, जो असलियत होती है वो छुपाने से नहीं छुप सकती। इतनी सीनियर नेत्री के बारे में अपमानजनक शब्द कहे, जो जाति सूचक शब्द कहे, वो केवल कांग्रेस का मामला नहीं रह गया। चुनाव में दूसरी पार्टियां कुछ ना कुछ ढूंढती हैं, लेकिन बात यह है कि भाजपा के पास अपना कुछ दिखाने को कुछ नहीं है, तो वो इस तरह के बातें
फैलाते हैं। एक दलित नेता अगर मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो कांग्रेस ने उसको कुचलने का काम किया है, उसको सम्मान नहीं दिया है। आज कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में लहर चल रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। हुड्डा साहब ये तो कहेंगे नहीं कि हम हार रहे हैं, और जबकि सच्चाई ये है कि हुड्डा साहब हार रहे हैं और सुप्रा साहब कांग्रेस का हो रहा है। अगर बयान दे रहे हैं कि कोई हार रहा है और किसी का सुपड़ा साफ हो रहा है तो ऐसे बयान के वक्त चेहरे पर इतना तनाव क्यों है? अब आपको असंद और बरवाला में राहुल के प्रचार के पीछे की कहानी बताते हैं, इनसाइड स्टोरी। असंद विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी ने कांग्रेस उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी के लिए वोट मांगे। कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी कुमारी सैलजा के करीबी हैं। बरवाला में राहुल गांधी ने राम निवास घोड़ेला के लिए वोट मांगे। राम निवास घोड़ेला भूपेंद्र सिंह हुडा के करीबी हैं। इससे तो यही लगता है कि प्रचार की प्लानिंग काफी सोच समझ कर बनाई गई है ताकि भेदभाव और गुटबाजी का सवाल कहीं फिर ना खड़ा हो जाए। हालांकि जब ये स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है तो वो लोग नहीं भूल रहे हैं कि किसको टिकट ज्यादा बांटे गए हैं, किस खेमे को, उसमें हुड्डा जी का नाम थोड़ा आ गया। अपने भाषण में आज राहुल गांधी ने हरियाणा से अमेरिका गए युवाओं की कहानी सुनाई, साथ ही ये सवाल भी उठाया कि आखिर हरियाणा से इतने लोगों को अमेरिका क्यों जाना पड़ रहा है। जाहिर है उनका सवाल बेरोजगारी को लेकर है। उधर बीजेपी ने शमशेर सिंह गोगी के लिए प्रचार करने को लेकर राहुल गांधी पर सवाल उठा दिया। हरियाणा सीएम ने आरोप लगाया कि गोगी भ्रष्टाचार की बात खुलकर करते। हरियाणा से इतने लोग अमेरिका क्यों जा रहे हैं, मेरे दिमाग में सवाल उठा। अमेरिका में घुसने के लिए आपने किसका पैसा दिया? राहुल जी, कम से कम 35 लाख रुपए अमेरिका में जाने के लगते हैं। मुझे दुख हुआ, उन्होंने बोला राहुल जी हरियाणा में हमारे जैसे लोगों के लिए अब कुछ नहीं बचा है। एक के बाद एक सारे दरवाजे आपके बंद कर दिए गए। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं राहुल गांधी ने जिस स्थान को चुना है वहां से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उसने पिछले दिनों अभी इस प्रकार की बात कही है कि हमारी सरकार आ रही है, पहले तो मैं अपना घर भरूंगा, फिर मैं अपने नज़दीक के लोगों का घर भरूंगा, जनता भाड़ में जाए। राहुल गांधी जी आए जी सदके, क्योंकि वो जिस भी प्रांत में जाते हैं वो हमारे लिए इतने शुभ हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। ओए, जाके दे खड़ी की। पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग ना बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। बाकी यार कहीं भी लगा ले। बात हरियाणा की हो गई है तो चर्चा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की भी कर लेते हैं। हरियाणा में भले ही हुड्डा सैलजा को एक मंच पर लाकर एकजुटता दिखाई गई, लेकिन अब हिमाचल में सीएम सुक्खू और विक्रमादित्य सिंह का मामला सुर्खियों में। इसके केंद्र में बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, ऐसे में कांग्रेस आलाकमान को इस मामले में दखल देना पड़ गया। हिमाचल कोल्ड वेव के लिए मशहूर है, लेकिन वहां पर कांग्रेस के दोनों नेताओं के बीच में हीट वेव चल रही है। दरअसल कल हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रेड़ी पटरी वालों के लिए नई स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी का ऐलान किया था। साथ ही योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाला न्यूज आर्टिकल भी शेयर कर दिया था, क्योंकि यूपी सरकार ने भी होटल रेस्टोरेंट और ढाबों के लिए इस तरह की गाइडलाइंस जारी की थी। कांग्रेस सरकार के मंत्री के ऐसा करने से सवाल उठने लगे। बात आगे बढ़ती उससे पहले ही कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने पूरे मामले को संभालने और आगे की रणनीति को लेकर रिपोर्ट आलाकमान को दे दी। फायर फाइटिंग के लिए राजीव शुक्ला फिर से सामने। राजीव शुक्ला का कहना है कि हिमाचल सरकार के फैसले में उत्तर प्रदेश जैसा कुछ नहीं, इस फैसले को यूपी जैसा कहना भ्रामक है। इस बीच विक्रमादित्य सिंह ने सफाई दी है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तस्वीर शेयर नहीं की थी, अखबार की एक कटिंग शेयर की थी जिसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीर थी। बड़ी मासूम सी गलती थी इनका यह कहना है, शायद गलती नहीं भी थी इनका यह भी कहना हो सकता है। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद
इमरान प्रताप गढ़ी ने राहुल गांधी से मुलाकात की और हिमाचल के मसले पर नाराजगी जताई। फिलहाल इमरान प्रताप गढ़ी को इस मुद्दे पर चुप रहने को कह दिया गया है, जिससे विवाद ना बढ़े। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में विक्रमादित्य को तलब करके उनको फटकार भी लगाई गई और सफाई देने को कहा गया। इसीलिए कल रात ही राजीव शुक्ला से मुलाकात के बाद विक्रमादित्य ने सफाई दी और अपने बयान से पलट गए। याद होगा ये खबर हम आपको बता रहे थे, कुमार विक्रांत ने ब्रेक की थी। इसके बाद राजीव शुक्ला ने पार्टी का आधिकारिक पक्ष भी सामने रखा। कोई इस तरह की बात नहीं है कि उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, कि उनको ही लिखना पड़ेगा। यूपी का वो अलग बात है, ये एकदम अलग बात है। इसको गलत जो है इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है। मेरी विक्रमादित्य से भी बात हुई है, मेरी मुख्यमंत्री से भी बात हुई है, तो पूरी तरह से गलत है। कोई पार्टी की नाराजगी की बात नहीं है। हमने जो भी बात है वो हम अपने नेताओं से हर विषय पर बात करते हैं। इस पे भी बात हुई है और बात और विषयों पे भी बात होती है। तो देयर इज नथिंग पॉलिसी रही लेकिन वापस नहीं होगी। अभी इसका मैं कह चुका हूँ कि इसकी एक बॉडी बनाई गई है, उस पर डेलिब्रेशन होनी है। उसमें बीजेपी के भी विधायक है, कांग्रेस के भी विधायक है, कांग्रेस के भी मंत्री हैं। यूपी का हम फॉलो नहीं कर रहे। यूपी की अपनी सरकार है, उनके अपने कायदे कानून है, हम अपनी तर्ज पे इस बात को कर रहे हैं। आज हम हिमाचल प्रदेश में महसूस कर रहे हैं कि इसकी आवश्यकता है। उनके मंत्री ही कह रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ जो मंत्री ने कहा वो उस पर कायम रहेंगे। उनको ऊपर दबाव आएगा, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि इससे पहले भी एक मंत्री ने विधानसभा के अंदर बहुत कुछ बोला था, लेकिन दबाव आया उसके बाद वो बदल गए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि विक्रमादित्य जी अपनी बात पर अडिग रहेंगे। वैसे विक्रमादित्य सिंह ने के कल के ऐलान में लोकल पॉलिटिक्स का एंगल भी है। सूत्रों के मुताबिक वीरभद्र परिवार और सुक्खू परिवार में अनबन, जो वर्चस्व की लड़ाई तक पहुंच गई है। विक्रमादित्य वीरभद्र के बेटे हैं। इनसाइड स्टोरी यह है कि विक्रमादित्य सिंह खुद को सीएम के समकक्ष मानते हैं। सरकार में फ्री हैंड ना मिलने के कारण घुटन महसूस करते हैं। वो सीएम सुक्खू पर उनके मंत्रालयों में दखल देने के आरोप भी लगाते रहते हैं। हिमाचल सरकार के मंत्री पद से मान सम्मान न मिलने का आरोप लगाते हुए एक बार इस्तीफा भी दे चुके हैं। विक्रमादित्य सिंह को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता भी मिला था और वो रामलला के दर्शन करने अयोध्या भी गए थे। इसी वर्ष फरवरी में 6 विधायकों के बीजेपी के साथ जाने के दौरान भी विक्रमादित्य की बीजेपी में जाने की चर्चा हुई। इन सारे एंगल को देखते हुए जब विक्रमादित्य सिंह योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाली अखबार की कटिंग शेयर करते हैं और जय श्री राम लिखते हैं, तो कांग्रेस के अंदर शिमला से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। इन सब के अलावा सूत्रों से यह भी दावा किया जा रहा है कि हिमाचल हिंदू बहुल राज्य है, वहां मुस्लिम आबादी सिर्फ 2-3% है, इसीलिए राज्य में हिंदुओं की पैरवी करना कांग्रेस की मजबूरी है। इसी वजह से मस्जिद विवाद और अन्य धर्म से जुड़े मुद्दों को लेकर हिमाचल सरकार के कई मंत्री कांग्रेस की लाइन से हटकर बयान देते हैं। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। लोकल खबरों के बाद अब आपको ग्लोबल फिक्र से जुड़ी पश्चिम एशिया की खबर दिखाते हैं। बहुत तनाव है, बहुत चिंता है, अगले 48 घंटे हम सब के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इसराइल और लेबनन के बीच जमीनी जंग जैसे हालात तेजी से बन रहे हैं। लेबनन पर 4 दिन से लगातार हवाई हमले करके 600 लोगों को मारने वाली इसराइल की सेना ने अब एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा है कि बहुत जल्द लेबनन में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा। इजरायली सेना के इस ऐलान से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ चुका है, क्योंकि इजरायल को जवाब देने के लिए हिजबुल्ला ब्रिगेड की तैयारी भी जबरदस्त बताई जा रही है। ये रिपोर्ट। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायल की सेना का ये हवाई हमला सबसे ताजा है। IDF ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्ला के वायु रक्षा और ड्रोन फोर्स का संचालन करने वाले कमांडर को टारगेट किया है। लेबनन में इसराइल के ये हवाई हमले बीते 4 दिन से लगातार क्यों हो रहे हैं, ये खुलासा वहाँ के आर्मी चीफ हरजी हलेवी ने किया। सुनिए उनका ये बयान। यानी इसराइल अब गाजा की तरह ही लेबनान में भी घुसकर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले हवाई हमलों के जरिए टैंकों और सैनिकों के अंदर घुसने के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। इसके संकेत इसराइल में दूसरे जरिए से भी मिल रहे हैं।
आर्मी चीफ की तरह नॉर्दर्न कमांड के हेड ओरी गोडीन ने भी घोषणा की है कि उनकी यूनिट लेबनान में जमीनी हमलों के लिए रेडी है। वहीं इसराइल ने अपने 4,65,000 रिजर्व फोर्स को इसी बीच एक्टिवेट कर दिया है। लेबनान से युद्ध के बढ़ते खतरे के बीच भी इन्हें तैयार रहने को कहा गया है। इस फैसले का एक बड़ा मतलब यह भी है कि इसराइल और हिजबुल्लाह में जंग लंबी चल सकती है, लेकिन इसराइल ने अगर लेबनान पर जमीनी हमला किया तो जवाब में ईरान समर्थित गुटों की तैयारी भी बड़ी बताई जा रही है। हिजबुल्लाह के 20,000 लड़ाके इस वक्त इसराइल बॉर्डर पर तैनात बताए जा रहे हैं। इराकी रेजिस्टेंस ने भी ऐलान किया है कि इसराइल से युद्ध के लिए उसकी ओर से 1,00,000 लड़ाके तैयार हैं। यमन में हूती विद्रोहियों ने सीरिया में पहले ही 1,00,000 लड़ाकों को इसराइल से मुकाबले के लिए भेज दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने आज ही बयान दिया है कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो तेहरान चुप नहीं बैठेगा। सबसे बड़ी बात, अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन का लेटेस्ट बयान है कि इसराइल और हिजबुल्ला में अब किसी भी दिन फुल स्केल वॉर छिड़ सकती है, यानी इसराइल और हिजबुल्ला की दुश्मनी पश्चिमी एशिया में तबाही का कारण बन सकती है और यहां युद्ध की आग भड़की तो उससे पूरी दुनिया झुलस सकती है। ओए, जाके से खड़ी की, पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है। और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है, तूने यहां गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। यार कहीं भी लगा ले। और फिक्र में अब बात टेक्नोलॉजी की। दुनिया में एक ऐसे आविष्कार की जो भविष्य में गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक तरफ इलॉन मस्क मंगल ग्रह पर इंसान को भेजने के लिए लगातार रॉकेट लॉन्च करते रहते हैं, तो वहीं अब फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने एक ऐसा चश्मा लॉन्च कर दिया है जो भविष्य में कम्युनिकेशन का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। मुझे अपने चश्मे को देखने पर मजबूर होना पड़ रहा। मार्क जकरबर्ग ने जिस चश्मे को लॉन्च किया है वो है ओरियन ऑगमेंटेड ग्लासेस, जिसे ओरियन एआर ग्लास कहा जा रहा है। चश्मे वाली इस क्रांति पर ये रिपोर्ट देखिए चश्मा लगा के। टू बिल्ड दीज ग्लासेस, ये वो आविष्कार है जिसका सपना फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने 10 साल पहले देखा था। एक तरफ इलॉन मस्क न्यूरोलिंक की चिप के जरिए ब्रेन से ही हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हैं, तो वहीं मार्क जकरबर्ग ने ओरायन एआर ग्लासेस नाम का ऐसा चश्मा बना दिया है जिसके आगे दुनिया के सारे प्रयोग फेल नजर आते हैं। इस चश्मे से आपको न सिर्फ सामने दिखने वाली हर चीज की पूरी डिटेलिंग मिलेगी, बल्कि अपनी आवाज और उंगलियों से इसे कई तरह की कमांड दी जा सकती है। ये चश्मा पहनकर आप गेम भी खेल सकते हैं, जैसे कि मार्क जकरबर्ग खुद इस वीडियो में चश्मा पहनकर एक वर्चुअल गेम खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस चश्मे की और खासियत आपको बताते हैं। चश्मे के साथ आपको एक रिस्ट बैंड मिलता है, इसे उंगलियों के मूवमेंट से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ एक वायरलेस इंस्ट्रूमेंट मिलता है जिससे बैटरी कंट्रोल करने और हीट कम करने में मदद मिलती है। इस चश्मे को आंखों और हाथों के मूवमेंट से कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा आवाज से भी चश्मे को कमांड दी जा सकती है। ये चश्मा कांच से नहीं बल्कि सिलिकॉन कार्बाइड से बना है। चश्मे में 7 कैमरे और सेंसर्स लगे हैं।